आज कोरोना खत्म होने के बाद ये पहली बार 21वां साल का छठ जो है मेरे लिए बहुत ही खुशी का दिन है, इसलिए कि कोरोना मुक्त बिहार देश हो चुका है और इस त्यौहार को हम काफ़ी धूमधाम से सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मैं छठी मैया से ये प्रार्थना और मांग करता हूँ कि हमारे बिहार का, पूरे देश का जितने निवासी हैं सब खुशहाल रहें और भविष्य में अब इस तरह की महामारी ना आए, यही हमारी शुभकामना है। और छठ मैया का पूजा बढ़िया से सब करें, एकदम खुल के करें, कहीं से कोई कठिनाई दिक्कत नहीं, ठीक है। यही मेरी छठी मैया से प्रार्थना है, शुभकामना है, प्रणाम। ऐसा है कि इस बार पटना नगर निगम जो है सुपरसीड कर दिया गया है, जिसके वजह से पूरा प्रशासन के लोग के द्वारा ही सारा मैनेजमेंट किया जा रहा है। कई रोड को भी बंद किया गया है, अटल पथ और बगल में जो रोड है सब कुछ बंद बंद किया गया है। इसलिए मेरा यही सुझाव होगा कि काफ़ी सतर्कता बरतते हुए, चूँकि स्थानीय लोग का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरा का पूरा प्रशासन के ऊपर छोड़ा गया है, कहीं कोई ऐसी बात ना हो जिससे कि प्रशासन को बदनामी हो जाए, इसलिए काफ़ी सतर्कता रहने की ज़रूरत है, यही मेरी शुभकामना है। कई घाट काफ़ी खतरे से ज़्यादा गंभीर रूप से उसकी स्थिति बनी हुई है, उस पर भी काफ़ी सतर्कता बरतना है। काफ़ी गंगा का उफान जो है काफ़ी तेज जो है अभी है, इसलिए काफ़ी सतर्कता रहने की ज़रूरत है प्रशासन को। ये मेरा सुझाव होगा कि काफ़ी सतर्कता के साथ छठ पर्व को अच्छे तरीके से समाप्त करवाएं, ताकि बिहार सरकार और सभी लोगों का अच्छा नाम हो। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है मतलब? ये घर कैसे चलेगा, हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ, अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ, हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा, बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।